अपनी धाकड़ पर्सनालिटी और रुतबे के कारण जाने जाने वाले ऐसे सोशल मीडिया के स्टार जिन्हें आज इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उनके फेस की ब्रांड वैल्यू ही काफी है किसी भी चीज को उठाने और गिराने के लिए, जो है सोशल मीडिया पर पहचान बना चुके सिर्फ अपने दम पर एल्विश यादव। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आप एल्विश के फैन है तो। दिल्ली NCR में मौजूद गुड़गांव में जन्मे 14 सितंबर 1997 को एल्विश यादव आज सोशल मीडिया पर जाने माने चेहरों में से एक है। एल्विश का बचपन पूरी तरह से गुड़गांव बेस रहा है। एल्विश ने अपनी स्कूलिंग गुड़गांव के ही MET इंटरनेशनल स्कूल से पूरी करी है। एल्विश अपने स्कूल के दिनों में काफी अच्छे थे पढ़ाई में। इवन 12th में एल्विश ने इतनी मेहनत करी थी कि उनके 12th में 94% मार्क्स थे, जिसके बाद दिल्ली के हंसराज कॉलेज में दाखिला लेने के बाद एल्विश ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी BCOM में। एल्विश ने वीडियोस बनाना और अपलोड करना अपने कॉलेज के दिनों में शुरू कर दिया था। वह 2016 में पॉपुलर क्रिएटर्स आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल को काफी देखा करते थे, जिनसे ही इंस्पायर होकर एल्विश ने भी शुरुआत करी थी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करने से। अपलोड करने के बाद उनकी कुछ हद तक ऑडियंस बननी शुरू हो गई थी, लेकिन एल्विश के दोस्तों ने उन्हें सजेस्ट करा वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करने के बारे में, जिसके बाद एल्विश ने YouTube पर वीडियोस डालनी शुरू करी। लेकिन YouTube पर एल्विश की वीडियोस में ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे। इवन एल्विश ने अपने चैनल पर प्रैंक वीडियोस भी अपलोड करे जो 2016 और 2017 में ट्रेंड पर थे, लेकिन एल्विश के प्रैंक वीडियोस भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही वीडियोस बनाते बनाते एल्विश को काफी ज्यादा वक्त हो चुका था, वह YouTube छोड़ने का भी फैसला कर चुके थे। लेकिन लास्ट में एल्विश की एक ऐसी वीडियो वायरल हो गई जिसमें एल्विश अपनी प्रॉपर हरियाणवी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद वह ना कभी रुके और ना कभी भी रुकने वाले हैं। साल 2019 में हमारे देश में टिकटॉक एप्लीकेशन का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एल्विश भी ये मानते थे कि उनकी ज्यादातर ऑडियंस अब टिकटॉक पर शिफ्ट होती जा रही है, लेकिन टिकटॉक के क्रिंज कंटेंट को लेकर वह इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, जिसके बाद एल्विश ने टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करने वाले सबसे पॉपुलर क्रिएटर्स को रोस्ट करते हुए अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी, जिसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को लेकर, जिसका एंड ये निकला कि टिकटॉक हमेशा के लिए हमारे देश से बैन हो गया। टिकटॉक को बैन करने की नींव एल्विश ने ही डाली थी, ये कहना गलत नहीं होगा। अपने इसी बेबाक रुतबे के कारण है कि एल्विश अपनी ऐसी पर्सनैलिटी के कारण जाने जाते हैं, जिन्होंने यूथ के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। एल्विश का रियल नेम पहले सिद्धार्थ यादव था। एल्विश नाम उनके भाई ने उन्हें दिया था। अपने फैमिली मेंबर्स के मना करने के बावजूद भी एल्विश ने अपना नाम सिद्धार्थ से एल्विश रख लिया था। एल्विश शुरू से ही उन बच्चों में गिने जाते थे जो थोड़े शैतान स्वभाव के तो थे, लेकिन एल्विश पढ़ाई में भी उतने ही अच्छे थे। एल्विश आज सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल से नहीं बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट से भी काफी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। वह माई 11 सर्कल, MX टकाटक और ओलंपिया ट्रेड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही वह अपनी खुद की क्लोथिंग लाइनअप भी ऑन करते हैं सिस्टम। एल्विश ने 2020 में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी थी, एल्विश यादव फाउंडेशन, जिसमें वह जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं। एल्विश आज जिस भी मुकाम पर हैं, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। एल्विश अपनी बेबाकी और रुतबे के कारण जाने जाते हैं, जिसका ही कारण है इस साल 2023 में वह हिस्सा बन पाए हैं बिग बॉस OTT का। एल्विश ने ये सब सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर हासिल करा है। दैट्स ऑल दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आप चाहते हैं एल्विश इस बार का बिग बॉस OTT का सीजन जीते तो।